रेनॉल्ड की पेन। तो ये रेनॉल्ड्स नंबर जो है इट इज ए प्योर नंबर। इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा जो लिक्विड या फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका जो फ्लो का टाइप है वो कैसा टाइप है, स्ट्रीम लाइन है कि टर्बुलेंट है या चेंज कर रहा है बीच बीच में। ये सारी इंफॉर्मेशन रेनॉल्ड नंबर से हमें पता चल जाती है। सो इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में ये है कि इट इज ए प्योर नंबर। पहली बात तो ये हुई, अगर प्योर नंबर है तो इसके यूनिट्स हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि कोई यूनिट होगा या डायमेंशंस होंगी। सो इट शुड हैव नो यूनिट्स एंड डायमेंशंस बेटा, राइट बेटे? ना इसका कोई यूनिट होना चाहिए ना डायमेंशन होना चाहिए, और है भी नहीं। अब रेनॉल्ड नंबर को हम बेटे डिफाइन कर लें पहले, डिराइव करने से पहले दो इसके करेक्टरिस्टिक्स आपने ऑलरेडी लिख दी है। तीसरा मैंने बोल दिया था आपको कि ये एक प्योर नंबर है जो हमें बेटे टाइप ऑफ फ्लो ऑफ द लिक्विड के बारे में इंडिकेट कर देता है कि जो लिक्विड आपका फ्लो कर रहा है किसी ट्यूब में से या अदरवाइज, क्या वो फ्लो स्ट्रीम लाइन है या टर्बुलेंट है या ट्यूब ऑफ फ्लो है या अनस्टेबल फ्लो है। सो बेटे आइए इसको डिफाइन करें पहले। रेनॉल्ड्स नंबर जो है बेटा इट इज ए प्योर नंबर विच indicates about the type of flow of a liquid. इसको आप possibly NR subscript डाल देते हो, आप R ऐसे denote करते हैं। इसके लिए बेटे हम critical velocity का concept use करते हैं। आपने देखा होगा कि क्रिटिकल वेलोसिटी लास्ट टाइम आपने डिराइव भी किया था कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करी थी, ईटा पर, रो पर एंड आर पर, आई थिंक, है ना? आर होगा, एरिया नहीं होगा। आपका क्रिटिकल वेलोसिटी जो है लिक्विड के फ्लो का इट इज डिपेंडेंट अपॉन ईटा रेस टू पावर ए, हमने इमेजिन किया। इट इज डिपेंडेंट अपॉन डेंसिटी रो पावर बी, इट इज डिपेंडेंट अपॉन, इसके बाद आपका रेडियस ऑफ द ट्यूब कहा था हम, डायामीटर कह देते हैं, डायामीटर के साथ लिंक कर देते हैं, पावर सी आ जाएगा। आप इन सारे फैक्टर्स को बेटे कंबाइन कर लीजिए, क्रिटिकल वेलोसिटी आपकी जो है ईटा पावर ए, रो पावर बी एंड डायामीटर पावर सी पे डिपेंड हुआ, और आपने इसको लास्ट टाइम वर्कआउट भी किया था। और आपका अगर मैं यहां पे लिख दूं एन आर, दिस इज विद ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड रेनॉल्ड्स नंबर एंड इट इज ईटा पावर ए, रो पावर बी, डी पावर सी। यहां पे आपने रेडियस लेके किया था, बात एक ही है, अगर रेडियस पर इनवर्सली डिपेंड करेगा तो डायमीटर पर भी वैसे डिपेंडेंट होगा। तो ए बी सी आप कैलकुलेट जब करोगे, ए आपका यूनिटी आ जाएगा, ये दोनों माइनस वन आ जाएंगे, आप चेक करके देख लीजिएगा, और आई होप आपने किया भी होगा लास्ट टाइम बेटा। देखिएगा जरा, ईटा आपका जो है ये ए पावर पोजेस कर रहा है, रो बी, डी पावर सी, ए आई होप वन आ जाएगा, ये दोनों माइनस वन आपके आ रहे थे, तो मैं ऐसे रिजल्ट को बेटे लिख रहा हूं। आइए फिर आगे थोड़ा सा और बात करके देखें इस रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में। आपके क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू जो है एन आर रेनॉल्ड्स नंबर ईटा पावर वन, तो ईटा ही रहने देते हैं, और रो की पावर माइनस वन है, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये भी डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और आप इसको एन आर ईटा रो डी कुछ ऐसे लिख सकते हो बेटा। आपको अभी एन आर चाहिए होगा प्रेजेंटली। सो एन आर रेनॉल्ड्स नंबर जो है दिस इज क्रिटिकल वेलोसिटी रो डी अपॉन ईटा कर लें हम बेटा, तो ये आपका रेनॉल्ड्स नंबर बेटा इन फैक्टर्स की जो डिपेंडेंस है ये इंडिकेट कर देता है।
अब बात समझने वाली आ जाती है कि रेनॉल्ड्स नंबर हमें टाइप ऑफ फ्लो के बारे में कैसे इंटीमेट कर देता है। अगर तो रेनॉल्ड्स नंबर आपका 1000 से कम हो, 1000 से, तो आपके लिक्विड का फ्लो जो होगा वो स्ट्रीम लाइन होगा। अगर ये 2000 से ज्यादा चला जाएगा तो इट विल बी बेटे टर्बुलेंट फ्लो, और अगर 1000 से 2000 के बीच में वेरी करता रहे तो जैसे टैप वाटर कभी इधर उधर उधर होता है, आपने नोटिस किया होगा, अनस्टेबल होता है, कभी कभी बीच में स्मूथ भी हो जाता है, कभी कभी बीच में डिस्टर्ब भी हो जाता है। सो वी कैन से दैट बेटा अगर आपका एन आर जो है इट इज लेस देन 1000, आपका जो लिक्विड का फ्लो है इट इज स्ट्रीम लाइन फ्लो। शायद हमने इसको डिफाइन नहीं किया है। स्ट्रीम लाइन फ्लो बेटे होता है बिल्कुल स्टेबल फ्लो, जिसमें एक के बाद एक पार्टिकल उसी पॉइंट पे जब पहुंचता है तो हरेक पार्टिकल की उस पॉइंट पर वही वेलोसिटी होती है जो प्रीवियस पार्टिकल्स की है निकल के गए हैं, जो डिटेल में बात करेंगे अभी 2 मिनट के बाद। और अगर आपका एन आर इट इज मोर देन 2000 हो, इट इज टर्बुलेंट, टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा, डिस्टर्ब फ्लो हो जाता है, ये ठीक नहीं लगता देखने को भी, इरेगुलर सा फ्लो होता है, कोई पार्टिकल उधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, तो इट इज नॉट गुड प्रैक्टिस टू सी दिस टाइप ऑफ फ्लो। और अगर आपका एन आर जो है ये बेटे 1000 से लेकर 2000 के बीच में वेरिएशन शो करता है तो आपका अनस्टेबल फ्लो हो जाएगा लिक्विड का, कभी कभी वो अपने आप ही स्ट्रीम लाइन हो जाएगा, कभी कभी वो अपने आप ही टर्बुलेंट हो जाएगा, मतलब बदलता रहता है लिक्विड के फ्लो का टाइप बेटा। सो इन दिस मैनर आप अपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोज जो है बेटा इनकी बात कर सकते हैं बेटे फर्दर मोर। चलें आगे बेटे। अब छोटा सा कंसेप्ट था रेनॉल्ड्स नंबर का, क्रिटिकल वेलोसिटी के साथ काफी लिंक्ड है, तो कल टाइम नहीं था, नहीं तो कल ही हो जाना था ये। इसके बाद बेटे हमें इन फ्लोज के बारे में थोड़ा बात कर लेनी चाहिए कि ये फ्लो क्या होते हैं और कैसे हम इनको डिफाइन वगैरह कर सकते हैं। लेट अस कंसंट्रेट बेटा। स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या है, टर्बुलेंट क्या है, अनस्टेबल क्या है, और ट्यूब ऑफ फ्लो भी एक हमने नाम लिया था, व्हाट डू वी मीन बाय दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्लो ऑफ द लिक्विड और द फ्लूइड बेटा। सो आइए देखें वन बाय वन बेटा। जब भी हम बेटा फ्लूइड्स की बात करते हैं, रादर विस्कस लिक्विड की बात करते हैं या विस्कस फ्लूइड की बात करते हैं, एक वर्ड हम बार बार यूज करते हैं, विस्कस फ्लूइड, नॉन विस्कस, सॉरी विस्कस मैं गलत बोल गया, नॉन विस्कस। विस्कस का मतलब बेटे समझते हो आप क्या होता है विस्कस का? विस्कस ये विस्कोसिटी से बना है ना। विस्कोसिटी क्या होता है? फ्लूइड फ्रिक्शन। तो नॉन विस्कस का मतलब है कि जब भी हम फ्लूइड को कंसिडर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग थ्रू ए ट्यूब, हम ये इमेजिन करते हैं कि इसकी जो लिक्विड की लेयर्स हैं इनके बीच में फ्रिक्शन मिनिमम है या ना के बराबर है, दैट इज वाई नॉन विस्कस लिक्विड या फ्लूइड। ठीक है। एक और हम टर्म यूज करते हैं इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस लिक्विड या फ्लूइड कुछ ऐसे हम कहते हैं। इनकम्प्रेसिबल का मतलब बच्चों फिर क्या होगा? नमन, जो कंप्रेस ना हो सके। अच्छा बहुत अच्छा। व्हाट विल दैट मीन? आपके लिक्विड की आपके फ्लूइड की डेंसिटी वेरी नहीं करेगी। वेरी राइट। सो जब भी आप फ्लूइड डायनेमिक्स के बारे में बात करेंगे, फ्लूइड के फ्लो के बारे में बात करेंगे, तो ये दो चीजें अपने माइंड में रखिए। आप लिखें चाहे ना लिखें, इस चीज को आप फॉलो करके सारा काम कर रहे हैं कि आपका जो फ्लूइड होगा या लिक्विड होगा दैट इज नॉन विस्कस। हम ये इमेजिन करके चलते हैं कि बीच में फ्रिक्शन लेयर्स के बीच में ना के बराबर है या नहीं है। और दूसरी बात, आपके लिक्विड की डेंसिटी कॉन्स्टेंट है, डायरेक्ट मीनिंग है दोनों का। और ये दोनों चीजें अजम्पशंस में होती हैं, कई बार हम लिख भी लेते हैं, कई बार हम टेक इट एज ग्रांटेड भी ले लेते हैं कि ये जब आप फ्लूइड की बात कर रहे हो तो ये चीजें आपने अज्यूम कर रखी हैं ऑलरेडी, राइट। अब आइए बेटे बात करें स्ट्रीम लाइन फ्लो।
स्ट्रीम लाइन फ्लो ऑफ ए लिक्विड क्या है? बड़े ध्यान से जरा समझिएगा, डायग्राम बना रहा हूं एक छोटी सी आपके लिए। ये एक पाइप हमने बनाया, मान लीजिए ये पाइप वेरिंग क्रॉस सेक्शन का है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा है। आई होप आप देख पा रहे होंगे कि ये देखिए एरिया सच में वेरी कर रहा है ना बेटा, वेरिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसका। इसका बेस काफी ब्रॉड है, टॉप पे जाकर ये नैरो हो गया। आपने इसमें से एक लिक्विड फ्लो करवा दिया ऐसे, हो सकता है आपने इसको टैप के साथ कनेक्ट किया हो, तो लिक्विड की ये वाली लेयर ऐसे जा रही है, इनलेट आउटलेट आपने इंडिकेट कर दिया। यहाँ पे इसका बच्चों एरिया ये देखिए, एरिया बड़ा है, A1 कह दो, वैसे जरूरत नहीं कहने की अभी, वैसे ही आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, A2 कह दिया, A1 बीइंग मोर देन A2। आपने इस पे यहां पे एक पॉइंट P इमेजिन किया इस ट्यूब में कहीं भी, राइट? एक पॉइंट आपने Q इमेजिन किया, कहीं भी कर सकते हैं। एक पॉइंट आपने R इमेजिन कर लिया। P पॉइंट पर आप इस लेयर को एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, जब ये वाला टेंजेंट आपको वेलोसिटी एट द पॉइंट P दे देगा, मैं VP कह दूं, इट विल बी मच बेटर। यहां पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये आपका वेलोसिटी एट Q आ गया, वेक्टर डाल देना चाहिए मुझे, राइट? है ऐसा, बता दिया करो बच्चों, है। R पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया तो वेलोसिटी एट पॉइंट R आपकी आ गई। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, आपने टैप से कनेक्ट कर दिया, ये पानी जो यहां से एंट्री हुआ ये निकल गया, चला गया आगे, इसके बाद और आ जाएगा, वो भी चला जाएगा, फिर और आ जाएगा, एग्जैक्टली लाइक जी कि जैसे आप 11th स्टैंडर्ड में बैठे हो, अगले साल आप 12th में हो जाएगा, यहाँ कोई और बैठेंगे, इधर भी कोई और होगा शायद, और फिर अगले साल फिर कोई और होंगे। तो जैसे 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 लिक्विड फ्लो कर रहा है, आपने जो पॉइंट्स फिक्स कर रखे हैं, इन पॉइंट्स पर जो भी पार्टिकल आता है उसकी वेलोसिटी इतनी ही होती है, दैट इज मेंट बाई इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रीम लाइन फ्लो, की हर एक पार्टिकल की एक पर्टिकुलर पॉइंट पर स्ट्रीम लाइन फ्लो में वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होती है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। जो भी पार्टिकल सक्सेसिव पार्टिकल्स इन पॉइंट्स से पास होकर जाएंगे, उनकी वेलोसिटी इन पॉइंट्स पर यही रहेगी, ये बात आपका स्ट्रीम लाइन फ्लो आपको कह देता है बेटा। सो स्ट्रीम लाइन फ्लो ऑफ ए लिक्विड बेटा इज डिफाइंड एज द फ्लो इन विच द सक्सेसिव पार्टिकल्स पोजेस सेम वेलोसिटी एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स। मैंने डायग्राम के रेफरेंस के साथ इसको कर दिया है डिफाइन, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कि अगर सक्सेसिव पार्टिकल्स आएंगे उनकी वेलोसिटी बदलनी नहीं चाहिए, राइट बेटा? इसके बाद बेटे आ जाता है टर्बुलेंट फ्लो। इस फ्लो को बेटे ब्रॉडली स्पीकिंग आप रेगुलर फ्लो भी कह देते हैं, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन साइंस की लैंग्वेज नहीं जानता, हम कह देते हैं कि रेगुलर या स्मूथ कह लो अपनी अदरवाइज लैंग्वेज में, कि जो लिक्विड बड़ा स्मूथली फ्लो करता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन फ्लो, और अगर स्मूथली नहीं करेगा तो वो स्ट्रीम लाइन फ्लो नहीं होगा, राइट बेटा? इसके बाद हमारे पास बेटी कंसेप्ट आ गया जी आपके टर्बुलेंट फ्लो का। टर्बुलेंट फ्लो में हम इस डेफिनेशन में ये लिख देंगे कि इट इज डिफाइंड एज द फ्लो इन विच द सक्सेसिव पार्टिकल्स डू नॉट पोजेस सेम वेलोसिटी एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स।
कोई पार्टिकल निकल गया आपका, अगले वाला आएगा तो उसकी वेलोसिटी उस पॉइंट पे उतनी नहीं होगी, तो फिर अपने आप ही आपका जो लिक्विड का फ्लो है वो रेगुलर या स्मूथ नहीं होगा, एंड वी विल कॉल दैट एज टर्बुलेंट फ्लो। और बच्चों इसको आप ये स्मूथ वगैरह फिर हम नहीं लिखेंगे बेटा, आप इसको लिख सकते हैं इररेगुलर, इररेगुलर जो फ्लो है लिक्विड का इसको आप कह देते हैं अपना टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है जी। इसके बाद आपके पास अनस्टेबल फ्लो होता है बेटे, एक जैसे हमने बात की है, अनस्टेबल फ्लो का मतलब है कि कभी कभी वो स्ट्रीमलाइन हो जाता है, कभी कभी वो टर्बुलेंट हो जाता है, अपने आप वेरी करता रहता है, मे बी ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस और सम अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग द सेम, सो दैट इज बेटे अनस्टेबल फ्लो। एक बेटे ट्यूब ऑफ फ्लो की बात की थी हमने, आइए थोड़ा आपको उसके बारे में भी गाइड कर दूं, व्हाट डू वी मीन बाय ट्यूब ऑफ फ्लो। बेटा आपके पास एक बेटा ट्यूब ऑफ फ्लो, सिलेबस की कल आप बात कर रहे थे, लास्ट चैप्टर छोड़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स वाला हम कंप्लीट करेंगे इन एग्जाम से पहले, ये वाला कंप्लीट करने के बाद एक छोटा सा चैप्टर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का है, उसमें से काफी सीबीएसई ने अमेंडमेंट्स भी की हैं, तो आराम से इजीली आप हंसते हंसते कर लोगे, कोई ऐसी बात है नहीं। सो ट्यूब लास्ट वाला छोड़ देंगे, वेव मोशन एंड साउंड वेव्स वो नहीं करेंगे, वो बाद में कर लेंगे। आपके पास बेटे एक पाइप है, मैं ज्यादा बड़े एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाला पाइप आपको शो कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, इस पाइप में से जब लिक्विड फ्लो करेगा, स्ट्रीम लाइन फ्लो की बात करनी है हमने, टर्बुलेंट फ्लो की बात नहीं करनी, ये एक स्ट्रीम लाइन बिल्कुल सेंटर पे जा रहा है, एक स्ट्रीम लाइन इसके पास है यहां से जा रहा है, एक लेयर यहां से जा रहा है, आप कह सकते हो एक लेयर यहां से जा रहा है। लिक्विड के फ्लो की जब भी हम बात करते हैं हम बेटे प्रोबेबली इसको लेयर्स में स्टडी करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बनी हुई हैं और वो जो लेयर्स हैं ये ऐसे प्रोपेगेट करी जा रही हैं और लेयर्स मूव करी जा रही हैं इन दिस मैनर। तो ये वाला लेयर सेंटर पे, इसकी वेलोसिटी हम एक्सपेक्ट करते हैं मैक्सिमम, और जैसे जैसे आप साइड्स पे जाते जाते हैं तो ये आपका वेलोसिटी लिक्विड का कम होता जाता है, एक इस तरीके से वेलोसिटी का प्रोफाइल सा बन जाता है दिस वे का। तो ऐसा फ्लो जिसमें अलग अलग लेयर्स एक स्ट्रीम लाइन फ्लो की फॉर्म में मूव कर रही हैं, दैट इज कॉल्ड ट्यूब ऑफ फ्लो। ट्यूब ऑफ फ्लो बेसिकली ग्रुप ऑफ स्ट्रीम लाइन्स को ही बोला जाता है, सो दिस इज कॉल्ड यूर बेटी ट्यूब ऑफ फ्लो। सो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये चीजें बेटे हमारी एक आधे नंबर में कई बार पूछी भी जाती हैं, तो वी आर टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, राइट बेटा। इसके बाद बेटे आपका डायरेक्टली कंसेप्ट आ जाता है इक्वेशन बर्नौली थ्योरम का, लेकिन बर्नौली थ्योरम कंप्लीट करने से पहले आपको इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में बात करनी पड़ेगी, तो वो जरूरी है, उन्होंने लिखा तो नहीं हुआ टॉपिक आपके डायरेक्टली सिलेबस में, बट उसके बिना हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। सो डियर चिल्ड्रन लेट अस हैव इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, आइए समझे इसके बारे में जरा। एक आपको पाइप दिया हुआ है, समझ लेना बेटे, जरा समझने वाली बात है, बात कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा आपके लेटर्स का हेर फेर है, लेटर इधर लिख दिया उधर लिख दिया, बाकी कंसेप्ट बेसिकली ये सेम ही होता है। एक पाइप बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि मान लीजिए ये एक पाइप है और पाइप भी आपका वेरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया आप देख सकते हो, इसका एक पाइप है, ऊपर जाते जाते ये नैरो हो रहा है और लोअर एंड पे ये काफी ब्रॉड है। आप कैसा भी पाइप ले सकते हैं, इसमें यहां बॉटम पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए वन है ये एरिया, और यहां पे आउटलेट जहां पे है एरिया ए टू है। आपने इसको पाइप को अंडर प्रेशर पी लिक्विड सप्लाई कर दिया, यहां पे आपका प्रेशर मान लीजिए पी वन है और यहां पे प्रेशर पी टू है, प्रेशर डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है,
तभी लिक्विड फ्लो करेगा, नहीं तो फ्लो नहीं करेगा। अगर प्रेशर इधर भी उधर भी दोनों बराबर होंगे तो लिक्विड फ्लो ही नहीं करेगा। और मान लो यहां पे लिक्विड जो एंट्री कर रहा है इट इज एंट्रिंग विद द वेलोसिटी वी वन, राइट, और यहां से लिक्विड बाहर भी आएगा, ऐसा तो है नहीं कि इसके अंदर कोई सोर्स या सिंक ऑफ द लिक्विड और द फ्लूइड नहीं है। तो यहां से लिक्विड आपका विद वेलोसिटी वी टू बाहर आ गया, वेक्टर में नहीं डाल रहा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, जो लिक्विड एंटर करा यहां पे, राइट, इसकी डेंसिटी हमने बोल दी रो वन और इसकी डेंसिटी बोल दी रो टू। अब डेल्टा टी टाइम में छोटा सा टाइम लिया आपने, डेल्टा टी टाइम में जो लिक्विड यहां से एंटर किया ये बेटे कितना डिस्टेंस ट्यूब के अंदर मूव कर जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम होगा। डिस्टेंस वेलोसिटी इनटू टाइम ही होता है ना बेटा। ये डिस्टेंस कवर्ड बाय द लिक्विड आ गया एट द एंट्री पॉइंट, वी वन कह देता हूं, ठीक है जी। और अगर मैं निकालना चाहूं मास ऑफ द लिक्विड एंटरिंग एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो ये आ जाएगा लेंथ इंटू एरिया इंटू डेंसिटी। ये एक तरीके की लेंथ हो गई ना बेटा, इस ट्यूब में कितनी लेंथ तक आपका लिक्विड एंटर किया है, इट विल बी वी वन डेल्टा टी लेंथ इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए वन इंटू डेंसिटी डी वन। दिस इज द मास ऑफ द लिक्विड एंटरिंग एट द एंट्री पॉइंट और एट दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया, राइट। अब फ्लक्स ऑफ द मास एंटरिंग एट दिस पॉइंट कितना होगा, दैट इज कॉल्ड मास ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग और एंटरिंग पर यूनिट टाइम, इट विल बी इक्वल टू वी वन ए वन रो वन हो गया। इतना मास एक यूनिट टाइम में लिक्विड का यहां पे एंटर कर गया, राइट। तो अब ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि वो मास ऑफ द लिक्विड इसके अंदर अब्सॉर्ब हो जाएगा या अंदर से कुछ बाहर ज्यादा आ जाएगा, ऐसा भी नहीं है। जो आप इसके अंदर पानी भेजोगे वही अब बाहर आएगा, ना ज्यादा ना कम। सो इट मींस कि जितना फ्लक्स लिक्विड का एंटर कर रहा है उतना फ्लक्स बाहर भी आएगा। तो अगेन डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी एट द आउटलेट इट विल बी इक्वल टू वी टू ए टू रो टू आ जाएगा जी, है ना बच्चों। अब देखो बिकॉज देयर इज नाइदर ना कोई सोर्स है ना ही कोई सिंक है इस लिक्विड के फ्लो के लिए, नो सोर्स नो सिंक, तो इसका मतलब है कि इसको जितना ये है इसको बराबर ही होना चाहिए। आप इनको बच्चों इक्वेट कर दीजिए, आपके पास वी वन ए वन रो वन वी टू ए टू रो टू आ जाएगा जी। अभी अभी हमने एक बात की थी, इनकंप्रेसिबल लिक्विड को हम ट्रीट करके चलते हैं, इसका मतलब है डेंसिटी क्या हुई सेम रह गई ना, बोलते नहीं आप देखो है, रो वन रो टू के बराबर हो गया ना पुत्र, तो आपका ये फिर कैंसिल आउट हो गया। आप कह सकते हैं ए वन बी वन इट इज इक्वल टू ए टू बी टू, या आप ऐसे कह लीजिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाई द वेलोसिटी दिस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही आपका इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है। समझ आ गया, वेरी नाइस। कोई बात नहीं पता चली तो पूछिएगा। अंजलि ख्याति मंजोत अर्शप्रीत राघव देवनूर इशनूर जपनप्रीत एंड मिताली, बेटे बेटे अगर आपको पता चल गया तो बताइए, नहीं तो फिर मैं रिपीट कर दूं एक बार सारे स्टेप्स। आपकी आवाज किसी की भी नहीं आई, अंजलि ख्याति मंजोत जपन प्रीत एंड और गुड। इधर बच्चे बैठे हैं सामने, कोई पॉइंट बेटे रिपीट करने वाला है तो मुझे बता दीजिए। देखो बेटे ऐसे बड़ी आसान सी लग रही है चीज की, कुछ भी नहीं है, लेकिन जब हम लिखते हैं ना वहां पे थोड़ा गड़बड़ कई बार हो जाता है, बिकॉज इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत चाहिए। अगर आपको कहीं भी लगता है तो मुझे बता दीजिए, मैं रिपीट कर देता हूँ। वैसे है कुछ नहीं इसमें, बस वो डेंसिटी कर लिया, मास कर लिया, डेल्टा टी कर दिया, इधर उधर कर दिया, यही है। और बेसिक अजम्पशंस आपको साथ में लेके चलनी है कि आपका लिक्विड जो है
ये नॉन विस्कस है और इसकी डेंसिटी सेम रहती है। और इतना याद रखिएगा, कहां लिखा टर्म, ये दिस इज कॉल्ड द फ्लक्स ऑफ द लिक्विड एंटरिंग, मास फ्लक्स भी आप इसको बोल सकते हैं। आपकी बुक्स वाले लिखते होंगे इसको मास फ्लक्स लिखेंगे या सिंपली फ्लक्स भी लिख सकते हैं, तो आप उस टर्म को देख के घबराना नहीं है। राइट बेटा, सो देख लीजिए, नोट कर लीजिए, कोई पॉइंट आपका रहता है तो हम अदरवाइज फिर आगे चलें। ठीक है जी, सो आप इसको मास फ्लक्स कह सकते हो बेटा, ये वाली टर्म को स्पेशली। दीक्षा, ऑल क्लियर, ऑल वेल? चलिए, ठीक है बेटे। इसके बाद हमारे पास आ जाता बेटे, ये आपका डायरेक्टली सिलेबस में है नहीं, बट इसके बिना हमारा गुजारा नहीं होगा, दैट्स व्हाई वी नीड इट। अच्छा, एक बड़ा क्वेश्चन बड़ा आया करता है पेपर में, आपको मैं डिस्कस कर दूं यहीं पर ही, दो या तीन नंबर में पूछते हैं, वाई द डीप वॉटर्स रन स्लो, एक्सप्लेन वाई द डीप वॉटर्स रन स्लो। आप कहीं किसी रिवर को क्रॉस कर रहे हो या बहुत बड़ा कोई नहर है उसके ब्रिज से आप क्रॉस कर रहे हो, अगर वो बहुत ज्यादा डीप होगा तो आपको लगेगा कि पानी चल ही नहीं रहा, बड़ा स्लो चल रहा है, और अगर कोई कम डीप होगा तो पानी बड़ी तेजी से निकलता हुआ हमें दिखाई देता है। ये वो क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं कि आप उसको इसके बेसिस पे कैसे एक्सप्लेन करोगे। इधर, हाँ जी बोलिए, एनी सजेशंस फ्रॉम योर साइड बेटा, इसी के बेसिस डेंसिटी को ज्यादा हो जाएगी। अभी हमने कहा डेंसिटी बदलनी नहीं है, आप कहते हैं डेंसिटी ज्यादा होगी, नहीं ना 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 ना, इसको यूज करना है आपने, ध्यान दीजिएगा। आपका रिवर अगर इसका डेप्थ इतना ज्यादा है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये हो गया, ठीक है, और आपको पता है कि प्रोडक्ट कांस्टेंट रहना है हमेशा, वेलोसिटी जो लिक्विड यहां से फ्लो कर रहा है उसकी आपने बी कह दी, मान लीजिए मैं बड़ा ये कह देता हूं, आपको थोड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा। और कहीं पे जाकर ये आपका जो रिवर है या जो भी रिजर्वायर पानी का है ये कम डीप हो जाता है। अब अगर डेप्थ कम हो गई है तो मान लीजिए इतनी डेप्थ रह गई, एरिया क्या हो गया कम, अब आपको पता है एरिया इंटू वेलोसिटी, इधर एरिया इंटू वेलोसिटी के बराबर होना चाहिए, इधर एरिया बड़ा था वेलोसिटी को कम होना पड़ेगा, इधर एरिया क्या है कम है वेलोसिटी को तेज होना पड़ेगा, ज्यादा होना पड़ेगा। सो ऑन दिस बेसिस आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो डीप वॉटर्स हैं दे रन स्लो एंड वाइस वर्सा बेटा। तो कई बार आप मौका मिले तो आप जरूर देखिएगा, जितने वॉटर डीप होंगे उनकी वेलोसिटी जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में उतनी ज्यादा नहीं नोटिस होती, लगता है कि पानी बड़ी स्लो ही जा रहा है, कोई बात नहीं है, तो गर्मियां हैं थोड़ा सा बीच में से निकल लेते हैं, कई बार ऐसे एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, तो बचना भी है इससे। राइट, चलें आगे बच्चों, हेडिंग लिख लेते हैं, है ना। इसके बाद बेटे हमारे पास है लिक्विड कौन कौन सी एनर्जीज पोजेस करते हैं, फ्लूइड्स कौन कौन सी एनर्जीज पोजेस करते हैं, वी ऑन द बेसिस ऑफ दीज एनर्जीज विल बी डिस्कसिंग बर्नौली थ्योरम और उसकी एप्लीकेशन बेटा। तो वी हैव काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लिक्विड, एंड एक किसी और भी होती है अदिति, कौन सी होती है, बहुत बढ़िया बेटा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, तीनों एनर्जीज की बात करेंगे तो ओके बेटे।
आप ब्रॉड हेडिंग लिख लीजिए बेटे, एनर्जी पोजेस्ड बाई लिक्विड। तो काइनेटिक एनर्जी तो आप जानते ही हैं, हाफ एम बी स्क्वायर होती है। कर ही देता हूं बेटे, आप ऐसे घबरा जाते हैं, कोई बात नहीं। मास को इधर ले जाओ, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास इट विल बी 1/2 वी स्क्वायर। नहीं बच्चों कोई बात नहीं, हो गया हो गया। इट इज एम जी एच, एम को इधर ले आओ, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास जी एच बन गया। इसको डिटेल में कल करवाऊंगा, इट नीड्स डिस्कशन, ठीक है। मास को इधर ही लेके आना है फार्मूले में, क्या करते हो आप? देखो ऐसे नहीं किया करो आप भाई इसका। ओके बेटे, थैंक यू ऑल।